एम स्क्वायर ये प्रूव करना है अगर इस इक्वेशन के हमारे इक्वल रूट्स हैं तो पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हमारी इक्वेशन थी वन प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो हमें पता है रूट्स इक्वल हैं तो हम क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी सी निकालेंगे तो ए कितना हुआ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ का कॉफिशेंट इतना पार्ट तो ये हमने लिख दिया वन प्लस एम स्क्वायर इसी तरीके से बी कितना आया एक्स के साथ का कॉफिशेंट दैट इज टू एम सी और इसी तरीके से सी कितना आया दैट इज बाकी बचा हुआ पार्ट विच इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट तो ये आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो डी का फॉर्मूला क्या होता था दट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो बी क्या हुआ हमारा टू एम सी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए है वन प्लस एम स्क्वायर और सी है हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये कितना आ गया देखिए टू एम सी का स्क्वायर दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं टू टू ज फोर एम स्क्वायर और सी स्क्वायर अब माइनस फोर एज इट इज लिख रही हूँ और अपने ये दो ब्रैकेट्स पहले सॉल्व कर रही हूँ तो ये क्या हुआ वन की मल्टीप्लीकेशन इस वन की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट में तो यह आया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर एम स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में राइट तो अब हम ब्राकेट्स ओपन कर लेंगे तो ये आ गया हमारा c square minus a square plus m square c square minus m square a square अब हम फिर से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये क्या आएगा माइनस फोर सी स्क्वायर अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो प्लस फोर ए स्क्वायर अगेन माइनस प्लस माइनस माइनस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर एम स्क्वायर ए स्क्वायर राइट अब देखेंगे आप कि ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर है ये भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर है एक माइनस का एक प्लस का है तो आपस में कैंसिल हो गए तो अब हमारा कितना आ गया दैट इज फोर एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर अब हमें क्या प्रूफ करना था इक्वल रूट्स के लिए कि ये वैल्यू सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन टू वन प्लस एम स्क्वायर तो चलिए कैसे इक्वल रूट्स हैं हमें ये पता है तो डी क्या होगा ज़ीरो के इक्वल होगा अब डी की वैल्यू कितनी है फोर एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो है अब हमें आप देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सी स्क्वायर है तो दैट मीन्स बाकी सारी ए स्क्वायर की वैल्यूज राइट हैंड साइड है तो हमने यही किया हमने क्या किया एक साइड में सी स्क्वायर की वैल्यूज रखी और दूसरी साइड हमने ए स्क्वायर वाली वैल्यूज ले ली तो ए स्क्वायर वाली वैल्यूज ये थी और सी स्क्वायर वाली वैल्यू ये थी तो हमने माइनस का फोर सी स्क्वायर इधर रखा और माइनस का फोर एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का फोर ए स्क्वायर ये देखिए अगर मैं इन दोनों को उस साइड लेके जाऊंगी तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा माइनस का फोर सी स्क्वायर इक्वल्स टू अगर आप देखेंगे तो इसमें से माइनस फोर ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो मैंने यही किया मैं एज इट इज लिख देती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो राइट right? अब देखिए माइनस फोर कॉमन निकल रहा है इसमें से तो हमने लिखा माइनस फोर सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर और ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है जब भी हम माइनस की वैल्यूज बाहर कॉमन लेते हैं हमेशा याद रखिएगा कि अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं तो ये क्या हो गया देखिए माइनस फोर और ए स्क्वायर कॉमन निकल गया तो सिर्फ एम स्क्वायर और यहाँ पे भी फोर ए स्क्वायर कॉमन निकल गया तो माइनस का तो प्लस और वन बच गया क्योंकि सेम वैल्यू बाहर निकल गई तो वन बचेगा अब देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया माइनस फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वन और ये वाला फोर जो कि फोर सी स्क्वायर के साथ था माइनस का वो डिनोमिनेटर में आ गया तो अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और फोर से फोर कैंसिल ये मैंने क्यों काट दिया क्योंकि ये इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन थी अगर बीच में ब्रैकेट के साइन होता तो मैं ऐसे नहीं काट सकती थी तो हमारा क्या आ गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस वन और यही हमें प्रूव्ड करना था देखिए यही हमें प्रूव्ड करना तो दिस इज द आंसर